हरे कृष्णा डियर लिसनर्स, आज पहले अध्याय के 20वें श्लोक की चर्चा करेंगे और टॉपिक आज रहेगा व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल। ऑल ऑफ अस इन दिस वर्ल्ड वांट टू बी सक्सेसफुल, बट व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस, भला हम सफल कैसे हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इस श्लोक के माध्यम से जो कि है 20वां श्लोक पहले अध्याय का। तो ये श्लोक इस प्रकार से है, अतः व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। इसका अर्थ यह है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ बड़ा ही सुंदर डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि अर्जुन का रथ हनुमान जी से अंकित है। इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस बात की। जब जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण किया था तो उस वक्त जयद्रथ के द्रौपदी के हरण करने पर जितने पांडव थे बहुत ही विचलित हो गए, बहुत ही चिंतित हो गए कि जयद्रथ रह गया, लेकिन उनको आक्रोश भी था और वो सोच रहे थे कि किस प्रकार से द्रौपदी को वापस लाया जाए। तो ऐसी स्थिति में मार्कंडेय ऋषि उनके पास आए और उन्होंने उन्हें श्री राम की कथा बताई कि किस प्रकार से रावण जो सीता मैया का हरण करके ले गया था, तो श्री राम ने रावण का वध करके सीता मैया को लंका से वापस लेकर आए थे। और ये करने के लिए उन्होंने समुद्र के ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली ब्रिज बनाया था जिसपे कई सैकड़ों अरबों खरबों वानर चल सकते थे, लेकिन वो ब्रिज नहीं टूटा। तो अर्जुन सोच रहे थे कि क्या श्री राम इतने बड़े धनुर्धर थे, इतने बड़े योद्धा थे, क्या मुझसे भी बड़े धनुर्धर और मुझसे भी बड़े योद्धा थे। ऐसा वो विचार कर ही रहे थे कि तभी हनुमान जी एक बूढ़े वानर के रूप में आए और उन्होंने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, श्री राम वास्तव में सबसे बड़े धनुर्धर थे, सबसे बड़े योद्धा थे। अच्छा, ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कि उस वक्त सारे वानरों को संभालने के लिए उन्होंने एक ब्रिज की रचना की थी, एक पुल की रचना की थी। तो अर्जुन ने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं भी कर दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जो ब्रिज बनाओगे, तुम जो पुल बनाओगे, वो ब्रिज तो मेरे जैसे एक बूढ़े वानर को भी नहीं संभाल सकता, तो भला इतने सारे वानरों को भला क्या संभालता। तो ऐसा जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं ब्रिज बनाऊंगा और यदि तुम्हारे उस ब्रिज पे खड़े होने से वो ब्रिज टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो अक्सर अर्जुन इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर दिया करते थे। तो हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने तीरों से ब्रिज बनाया और हनुमान जी ने उस पर अपनी पूंछ रखी, खुद नहीं चढ़े अपनी पूंछ रखी, वो सारा का सारा ब्रिज तितर बितर हो गया। अब अर्जुन ने सोच लिया क्योंकि मैंने सौगंध खाई थी कि अगर मैं हार गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, तो वह अग्नि में प्रवेश करने के लिए चल दिए। लेकिन तभी वहां पर श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने कहा अरे भाई, आप दोनों में प्रतियोगिता हुई लेकिन आप में कोई विटनेस तो था ही नहीं, कोई चश्मदीद गवाह तो था ही नहीं, लेकिन अब मैं ब्राह्मण आ गया हूँ तो अब ये प्रतियोगिता फिर से हो सकती है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा कि चलो एक बार फिर से प्रतियोगिता हो जाए। तो इस बार फिर से अर्जुन ने जो तीर चलाए और ब्रिज बनाया तो हनुमान जी ने पूंछ रखी लेकिन ब्रिज नहीं टूटा और फिर उसके ऊपर हनुमान जी खुद चढ़ गए जो कि एक बूढ़े वानर के रूप में थे, लेकिन फिर भी ये ब्रिज नहीं टूटा। उसके बाद हनुमान जी ने इस ब्रिज के ऊपर कूदना शुरू कर दिया लेकिन फिर भी ये ब्रिज नहीं टूटा। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि झांक के देखा कि वास्तव में ये ब्रिज क्यों नहीं टूट रहा है। नीचे झांक के देखा हनुमान जी ने कि श्री राम वहां पर थे जो कि उस ब्रिज की रक्षा कर रहे थे। और जब अर्जुन ने देखा तो वहां पर उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, तो कृष्ण और राम, क्योंकि वास्तव में दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही भगवान है। तो इस प्रकार से अर्जुन और हनुमान जी का आपस में ये युद्ध खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज से अर्जुन और हनुमान आप मित्र हैं। और हनुमान जी ने भी ये वचन दिया कि मैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन के ध्वजा पर मैं स्वयं विराजमान होऊंगा। तो इसलिए यहाँ शब्द आया है कपि ध्वजा, तो कपि है हनुमान जी और वह ध्वज के ऊपर विराजमान है। और इसी प्रकार से उन्होंने भीम को ये वचन दिया था, जब भीम द्रौपदी के लिए एक सुंदर पुष्प की तलाश में थे तो उस पुष्प की तलाश करते करते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंचे और वहां पर वो एक बूढ़े वानर से मिले जो कि हनुमान जी थे। तो उन्होंने कहा अरे मेरे रास्ते से हट जाओ वानर। तो हनुमान जी जो कि एक बूढ़े वानर के रूप में थे, उन्होंने कहा अरे भाई मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अगर तुमको आगे जाना है तो मेरी पूंछ हटा दो। तो भीम सिंह जी ने कहा ठीक है, ये पूंछ ही तो है। जैसे वो पूंछ उठाने लगे लेकिन वो पूंछ उठा नहीं पाए, उन्होंने दोनों हाथों से पूरा जोर लगा दिया लेकिन वो पूंछ को नहीं हिला सके। तो भीमसेन जी जान गए कि मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, प्लस मेरे में वैसे इतना बल था, लेकिन मैं यदि इस वानर की पूंछ नहीं उठा पा रहा तो निश्चित रूप से ये कोई साधारण वानर नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी एन ऑर्डिनरी मंकी। तो उसी वक्त उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा बताइए आप कौन है।
आप कौन है? तो फिर हनुमान जी अपने रूप में आए, उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूँ और मैं तुमको आशीर्वाद देने के लिए आया था, क्योंकि तुम भी पवन पुत्र हो और मैं भी पवन पुत्र हूँ, तो तुम वास्तव में मेरे भाई हो, इसीलिए मैं तुमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर बैठा था। और इसीलिए मैं तुमको ये वचन देता हूँ कि महाभारत के युद्ध में जब कभी तुम चिल्लाओगे, जब कभी तुम्हारी चित्कार होगी, whenever you will shout, so in that shout would be there my shout as well, तो तुम्हारी उस चित्कार के अंदर मेरी चित्कार भी होगी। और भीमसेन वास्तव में महाभारत के युद्ध में when he was fighting, at that time when he would yell, when he would cry, जब वो चीखते थे तो उनके चित्कारने से ही सामने वाली सेनाओं के हार्ट फेल हो जाया करते थे। तो कितने सारे सैनिक तो हार्ट फेल से मारे भीमसेन जी ने जस्ट बाय शाउटिंग। तो वैसे भीमसेन की चित्कार वैसे खूब है, उसमें अगर हनुमान जी की चित्कार भी मिल जाए तो वो चित्कार क्या होगी। तो इस प्रकार से हनुमान जी का आशीर्वाद उपस्थित था पांडवों के साथ में, विशेष रूप से अर्जुन के साथ और भीमसेन जी के साथ। और साथ ही यहाँ बताया जा रहा है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं। श्री कृष्ण वहां पर हैं जो कि स्वयं धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं। जब गांधारी से दुर्योधन ने मांगा कि हे माते मुझे आशीर्वाद दें कि मैं युद्ध में विजय हूँ, तो गांधारी ने कहा मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जिस तरफ धर्म है उसकी विजय हो। और ये गांधारी जानती थी कि वास्तव में धर्म तो उसी तरफ है जहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहां धर्म है और जहाँ धर्म है उन्हीं की विजय है। तो क्योंकि श्री राम या श्री कृष्ण भी स्वयं उपस्थित हैं अर्जुन की साइड में, तो इसीलिए भी उनकी सक्सेस कंफर्म्ड है। तो पहला फैक्टर है डिवोटीज की ब्लेसिंग्स, दूसरा फैक्टर है सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट भगवान की ब्लेसिंग्स। हमें दोनों की ब्लेसिंग्स चाहिए, सिर्फ भगवान की, सिर्फ भक्तों की नहीं, हमें भगवान की भी चाहिए और उनके भक्तों की भी ब्लेसिंग्स चाहिए। इसीलिए हम दोनों के आगे सर झुकाते हैं। सिर्फ भगवान के आगे यदि हम सर झुकाते हैं और भक्तों का तिरस्कार करते हैं, ओह डिवोटीज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, तो भगवान अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे लोगों को नहीं देते। और जो लोग सिर्फ भक्तों को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु के चक्कर में पड़ के ऐसे गुरु के पास जो कि गुरु भगवान के बारे में नहीं बताता और इस प्रकार से सिर्फ गुरु 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 करते रहते हैं, ऐसों को भी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो क्योंकि हमें दोनों का ही आशीर्वाद चाहिए, भगवान का भी और उनके भक्तों का भी, तब हम सफलता प्राप्त कर पाते हैं। और साथ ही जो तीसरा फैक्टर है सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंथुजियाज्म एंड फुल फ्लेज्ड एफर्ट्स। तो ऐसा नहीं सिर्फ ब्लेसिंग्स लेंगे उसके बाद हम कुर्सी पे सर टिका के बैठ के आराम से सो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। तो हमें भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए, उनके भक्तों की ब्लेसिंग्स चाहिए और साथ में हमको पूरे उत्साह के साथ अपने एफर्ट्स पुट ऑन करने चाहिए। जैसे कि अभी एग्जाम्स का समय आया हुआ है तो कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हमें भगवान की ब्लेसिंग्स की आवश्यकता नहीं है, आई विल चेंज माई डेस्टिनी ऑन माई ओन। और दूसरी एक्सट्रीम ऐसे लोगों की है जो कि सिर्फ मंदिर जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद तो मांगते हैं लेकिन घर आके पढ़ाई नहीं करते। दोनों को सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ऐसे जो कि भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, भगवान के भक्तों से प्रार्थना करते हैं और साथ ही एंथुजियास्टिक एफर्ट्स भी डालते हैं, ऐसे को सफलता अवश्य मिलती है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, E+P = EP, एफर्ट्स प्लस प्रेयर्स इज इक्वल टू एवरीथिंग पॉसिबल, हर चीज संभव हो सकती है। सिर्फ एग्जाम्स पास नहीं करना बल्कि जिंदगी में और भी कई सारे कई परीक्षाएं आती हैं, संघर्ष आते हैं, हम इन सबको पार कर पाएंगे यदि हम भगवान और उनके भक्तों की ब्लेसिंग्स और फुल फ्लेज्ड एंथुजियास्टिक एफर्ट्स करेंगे, देन सर्टेनली वी कैन एक्सेल इन लाइफ। एंड द फोर्थ फैक्टर इज द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। हनुमान जी इज फ्रॉम त्रेता युग एंड द महाभारत युद्ध हैपेंड इन द्वापर युग, बट स्टिल हनुमान जी इज देयर टू कोऑपरेटिवली हेल्प द पांडवास। सो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इज द फोर्थ फैक्टर फॉर सक्सेस। तो आज हमने चर्चा की कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल होने के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवोटीज, सेकेंडली द ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड, थर्डली द ब्लेसिंग्स एंड थर्डली फुल फ्लेज्ड एंथुजियास्टिक एफर्ट्स एंड फोर्थली एंड लास्टली कोऑपरेटिव स्पिरिट। इन दिस वे वी कैन बी सक्सेसफुल। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा।